Om Susarathi Raswani Vajan Manusyane Niyatevi Subhiribajina Ibam Hrut Pratishtham Jadajiram Javishtham Tanne Manah Shiva Sankalpam Astu Hey Prabhu सुंदर सारथी दिए जेमिति रथ को लक्ष्य स्थल रे पहुंचाई दिए सेमिति वन मन रूपक मन को सारथी मानक द्वारा लक्ष्य स्थल रे पहुंचेबा पई मो भितरे सेमिति शक्ति प्रदान करंतु ए शक्तिमान मन को नियंत्रण रखिबा पई प्रेरणा दियंतु मो मन रे शिव संकल्प सृष्टि हो बालक मोर बोला कर आजिर अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानकू समस्त दर्शक बंधु मानकू मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करूछि आम गहन रे जो बालक बालिका माने अछंती एवं सेमानकर पितामाता अछंती सेमानकर परिचय आमे पूर्वरु जानि छथि एई परिचित पिला एवं तांकर पितामातांक सहित आमे आउ गोटे परिचय संसार रे विद्या होछि अनंत कोटि कोटि अनंत कोटि कहले तो गोटे संख्या आसी गला अनंत विद्या कहले अनंत आवै वेदाः शास्त्र लिखाई वेद हूँ अनंत और वेद मान ज्ञान ज्ञान अनंत आम ये ज्ञानर शेष सीमा पर्यंत जापरवानी किंतु शेष सीमा पर्यंत जा नपर बोली कौन किसी परिश्रम भी करवानी विद्या अनंत बोली कौन पाठपढ़ा छाड़देवा सागर अलंघ्य बोली कौन बुड़वा छाड़देवा रास्ता केबे आमे अतिक्रमण करें ना बोली रास्ता उपर कौन निज घर को रास्तार हटि जावा जमिति आमे सागर अलंघ्य बोली जानी मध्य सागर भितरु आमे रत्न संग्रह करूँ विद्या अनंत बोली जानी मध्य आमे विद्या अर्जन करिबा पई प्रयत्न करूँ ठीक सेमिति ईश्वरंकर अनंत ज्ञान भितरु जो ज्ञान द्वारा मोर जीवन चक्र परिवर्तन हबा अंततपक्षे मो भितरे थिबा दूरित गुड़िक दूर होई भद्र विचार आसीबो सेई विचार गुड़िक मु निकटतर करिवि प्रत्येक दिन निजर जीवन को तर्जमा करिवि देखिबि मो भीतर को न चाहूले जो दोष गुड़िक आसी जाऊँगी ताकू घर धूली परिष्कार कला भाया परिष्कार करी एवं निजर जीवन को स्वच्छ पवित्र एवं कलंकहीन करी यही विचार पाई आम समस्ते मिलमिशि आलोचना करवा चिंतन करवा अच्छा मते कहले आज लोके आपण बापा अजा अमलर कथा मुझे कौच आपण बापा अमलर जो लोक थे बर्तमान बड़ सुंदर भाव में अच्छा ना असुंदर भाव में अच्छा माने बड़ माने भौतिक जिनस गुड़िक बेसी बर्तमान सुविधा सुजोग मिली ना भाया जीवन यापन बर्तमान कर बर्तमान भारी भलि अच्छा आप कौन बुझुं कि बर्तमान आ विंचना अच्छी ना बर्तमान एसी अच्छी हाँ विंचना आना विंच अच्छी बर्तमान आम धीरे 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 लुहार खाइले बुझीगले ना आगुरी लोके माटी पात्र खाऊ पथर पात्र खाइले कदली पत्र खाइले धीरे धीरे कौन खाइले तंबार खाइले केतले पितल खाइले धीरे धीरे बर्तमान कौन खाऊचे लुहारे लुहारे इंग्रेटा स्टील ना कौन बुझीपार तो आम घर ना बर्तमान आम आटी हाँडे रांधुचे ना बर्तमान हाँ हाँडे राखुचे माटी हाँडे रांधि पारे दिन को 3टा हाँडी भांगा आम ना कल बुझ कि कहना आमर एत शक्ति सामर्थ्य जो भांगा किंतु आम माँ मैंने गोटे गोटे माटी हाँडे दरकार पड़े 2 मास 4 मास रांधुले केवल जो दिन गोटे पूजा पर्व पड़ूला से माटीटा हाँडी बदलूला नुआ हाँडी आसूला होता ना नहीं आया अच्छा सेतबले लोक निरोगी थे ना बर्तमान लोक निरोगी अच्छा ओहो ताले एक भी बुझीपार आपने बर्तमान से जीवनचर्यार लोक निरोगी था ये जीवनचर्यार लोक बर्तमान रोगी होची अच्छा बर्तमान जो जो रोग सब शुणुंट से रोग गुड़ाक पूर्व शुणी ना आगुरी बापा को पचार बापा हृदघात गोटे कौन से कहे केमितिर कहीं कोटे खंडे लोकर जन जनकर होथ्व बोले कहले बाबा कैंसर कौन जो कर्कट रोग ना होता है केमिति केमिति कौट लोक जो मैंने अत्यधिक मात्रा रे भूल काम करते से केमिति केमिति हुए आगुर लोक देखिं ना विभिन्न रोग को सब बड़ रोग कहती अभिशाप पाई बोली कहती अर्थ कौन से रोग गुड़िक समस्त पाखे नाला किंतु रोग को केबे आपण माने रोग को घृणा कर रोगी को घृणा करंतु नहीं रोग को घृणा करंतु कहीं रोग को घृणा कले आपण परिश्रम करिवे उपशम करी चेष्टा करिवा या द्वारा आम गोटे कथा रहस्य बुझुचे पूर्व कालर जीवनचर्या जेहेतु प्रकृति सहित संपर्क थिला जीवनटी सरल थिला सुस्थ थिला समर्थ थिला एवं सबल थिला आज प्राकृतिक परिवेश अनेक मात्रा बढ़ी जावा द्वारा लोके बर्तमान प्रकृति ठारू दूरे जावा ठारू निजर प्रकृति भी बदली जाइए रोगयुक्त हो जाइए एवं विभिन्न प्रकार शांति मुक्त हो जाइए निज भितर जमी गोटे निराशवाद सृष्टि होची ना नहीं कथा आया अच्छा आम मन कौच ना बेले बेले छाड़ी केतबेले जीवा आपण पाद बर्तमान माटी सहित मिशुचना ए କେତେ ଜୋତା ଆମର ଅଛି, ବାହାର ଜୋତା, ଘର ଜୋତା, ରୋଷେଇ ଘର ଜୋତା, ପାଇଖାନା ଜୋତା। ଜୋତା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି ଆମ ଘରେ? ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ। ଆମ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ମିଳିଯିବା ଗୋଟେ ଜୋତା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଇଯିବ ଆମର, ହେବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି, ପାଦଟା ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ମାନେ ମାଟି ସହିତ କେବେ ମିଶାଇବାନି। ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ମାଆର କୋଳ, ମାଟିର ମା, ମାଟିକୁ ମା କହୁଛେ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ବୁଝେ ନାହିଁ? ମାଟି ମା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆର ଛାତିରେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ମୁଖ ଲାଗିଗଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ? ସେମିତି ମାତୃଭୂମି ମା' ଉପରେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଥରେ ମାଟିରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜାଣିପାରିବ। ଚାଲୁଛନ୍ତି କେବେ? ହଉ ତ ନାହିଁ, ବିନା ଜୋତାରେ ତ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମର ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଷିମୁନିମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇବ ତମ ଶରୀର ସେତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦେଉଛି। ତମେ ପବନକୁ ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପବନ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛି। ପବନଟି କିଏ ଦେଉଛି? ପବନକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା, ଥଣ୍ଡା କରିବା। ଘରେ ହିଟର, ରୁମ୍ ହିଟର ଦେଇ ପବନକୁ ଗରମ କରିବା, ପୁଣି ଖରା ଦିନରେ ଏସି ଦେଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। या द्वारा बुझा दरकार। अच्छा, एसी व्यवहार कलापर जो एसी रू जो गरम पवनटा बाहर कूड़े जाऊँगी, आया बाहर को जाऊँगी, सेटा पुणी झरका फरका खोलला बेलू तुम घर को आसना गोटे पड़े जाऊँगी। अच्छा, समस्त घर एसी, समस्ते गरम पवन, समस्ते जो संध्या बेले लाइन पलैला बेले खोल दौरान पवनटा क्या घर को आसूँ? ये विचित्र आम निजे छाड़ुचे, निजे पाचे, कौन बड़ा भल कथ चिंतन करें। एणु प्रकृति सहित दूरता हवा द्वारा मानकर जीवनचर्या बर्तमान गोटे भिन्न दृष्टि से दृष्टि पुरातन शास्त्र गोटे सुंदर उदाहरण थी। राजा सत्यव्रत बोली जने राजा थिले। ये बहु पुरातन कथा, महाभारत युग आउरी ता पूर्वतन कथा। राजा जने सुशासक थिले, कौन सुंदर शासक, क्या सुंदर शासन क्या कहते? प्रजा मान पुत्रवत पालन करती, प्रजा मान दुख सुखर जे सुखी होती, न्याय व्यवस्था करती, अन्याय मान दंड दियंती। जो राज्य में चोरी न थाए, जो राज्य में कौन व्यभिचार न थाए, ताको आम सुशासक कहते। आप जानते सुशासन गोटे उदाहरण नियंतु। अश्वपति बोली जड़े राजा थे, जड़े राजर्षि थे, जहाँ झील सावित्री। आप सावित्री व्रत कर पाठ आजिकल मन अच्छी कि अश्वपति पाखे चारिजण सन्यासी जा पहुँचले, 4-5 जन सन्यासी पहुँचले। से कहले, आपण घरे भोजन कले आम शरीर अपवित्र हो। कहीं राजा लोक, आप विभिन्न लोक दंड देक आप अर्थ आनी, विभिन्न लोक कर आनी, आपण धनु खाइले आम शरीर कौन हम? से अन्न खाइने बुझते लोक बुझीगला, सेमती खराब अन्न खाते ना। जे से खाए अन्न वैसे हे मन अंत पक्षे लांच बिछ छाड़ दिंतु आप पिला कहीं आपणकर बेसी क्षति होनी, छुआ गुड़ाक सब खराब हो। परकू दुख दे आणुवा अन्न आमर कम क्षति करे, आम परवर्ती वंशधर को नष्ट करे। एक बड़ी चिंता कले लांच नियंतानी, लांच मिछ कहता चोरी करते बहुत कथा अच्छे। आज से गुड़ाक आम विचार कले कौन आजिकल के विचार कले है। तेणु सी कहते नमे स्तेन जनपदे न कदरे जीव नवद्यप कहले, हे मुनि, मो मुनि मैंने दयाक मोर राज्यर कथा आप शुणु। इच्छा है आप मो घर भोजन करेंगे, ना को प्रणाम करी, आपको सम्मान देवी। कहले कौन? नमे स्तेन जनपदे मो राज्य में कई चोर ना, न कदर जो कई कृपण ना, न मद्यप कई मद्यपी ना मो राज्य में। बुझीपार तो मो राष्ट्र में कहीं मद्यपी ना, कहीं कृपण ना। नमे स्तेन जनपदे न कदर जो कई कृपण ना, कई मद्यप ना। बुझे नाना हिताग्नि अग्निहोत्र करुन लोक कई ना, सबुदिन यज्ञ करती। बुझे न स्वेरी स्वेरिणी कुत, स्वेच्छाचारी पुरुष ना, बेभिचारी पुरुष ना, बेभिचारिणी स्त्री कौटी सृष्टि हे? जड़े राष्ट्रपति राष्ट्र एक ना कहूँ। आज जड़े गृहपति कहींपर मो घर एमती लोक अच्छी, जड़े घर मालिक को पचार तुम घर एमती लोक सब अच्छा ना, सी भी डर कतल कही हेनी मो पु कि नाती के पी देते मुझे कौन करी से सांगसाथी भितर। बुझे तो डर बर्तमान गोटे परिवार मुख्य कही पारन, गोटे राष्ट्र मुख्य कहूला। प्रकृति से समय के उन्नत था। बुझीपार तो राजा सत्यव्रत प्रजापालक थे, जमी से प्रजा मानू सबुबले सुख रखा चेषा करुले, पिला मान भलमंद बुझुले। बेले बेले निज शरीर को से लक्ष्य नक प्रजा मानी सबुबले निजर जीवन को उत्सर्ग करुले। धीरे धीरे बयस भी बढ़ला, रोग आक्रमण कला, विभिन्न प्रकार रोग बारंबार बारंबार कष्ट देला। राज्य में थी वैद्य जेते प्रकार चेष्टा कले, समस्त प्रकार चेष्टा कले, रोग सीना कमीगला कि ना, कि मुक्त है। अनेक समय रोग आमर कमी जाए कि मुक्त रोग छाड़ी जाए ना, कौन बुझे ना। औषध को हिंदी में कौन कहते? दबाई दबाई माने कौन दबाई दब छाड़े जीवन कथा बुझे ना औषध आपण मुंड बिंधुची औषधटा खाई दबाई दला मैंने कौन कमे दला कि मूलू गलानी फेर कौन भाग हो नहीं कथा कि आयुर्वेद औषध विभिन्न औषध थी से मूलू समाप्त करूला बुझे वैद्य भी बहुत चेष्टा करूला कि पार ना तेणु से वैद्य मैंने वैद्य मैंने मंत्री मानक डाक कहले कहले राजा को गोटे स्थानांतर करदे बोधे हूँ तो जीवन बदली जापे स्थानांतर मैंने एटी बस आम आउ कौ जगह को नहीं जा गोटे प्रकृति परेश को नहीं जा गोटे शांत परेश को नहीं जा सेठी हे मंत्री मैंने राजा राजा कहले हूँ चिंता करेंगे जी ना कौन बुझे मनुष्यर मन जो बदली जाए से कुआड़े पड़े जाए कहते हैं तीर्थ करते जाए ए तीर्थ कर कौन कर भावते जी मन जी पाप फाप करते सब धोई दे पड़े ए पाप मन करे ना शरीर करे मन रे पाप थाए ना शरीर पाप थाए आ गाधेले कौटा सफा हुए मनटा रहा मन तो रहा पाप गाधेला तो शरीर पाप केमी जीव आ कूरे हजे पोखर खोजा जहाँ से कौन बुझे तेनाली से जितेबाला मंत्री मानक परामर्श है मंत्री बाइन कहले राजन आपड़ चिंतन न कले हेनी आपण बर्तमान शरीर सीना रोगरू पूर्ण मुक्त नुहे किमी कमी जाऊँगी तेणु आपण को बर्तमान आम भावुँ आपड़ जब गोटे स्थानांतर हमें आपण शरीर टी अंततपक्ष निरोग हाँ और आपड़ टे सुस्थ रुहते यही प्रसंग जो मंत्री मैंने कहले वैद्य मैंने कहले राजा कौन निष्पत्ति ने राजा देखिले वैद्य मैंने मंत्री मैंने समस्ते जो यही परामर्श दौर राजा कहले ठीक अच्छे किसी दिन तांकर जो प्रधानमंत्री थिले प्रधान अमात्य ताकू राज्यर भार दायित्व देले कारण तांकर पुत्र सेतोल को गुरुकुल पाठ पढ़ी आसी ना गुरुकुल पाठ पढ़ी आसिले योग्य हेले तो राज्यभार देवे तेणु से प्रधानमंत्री को राज्यर दायित्व दे से बाहर गले किछि वैद्य किछि प्रिय सेवक एवं अत्यंत प्रियतम लोक रक्षा माने तांकर जो देह रखी अंग रखी सांगर नहीं गले कि सैन्य सामंतनी बाहर गले राजा लोक ना केतला आक्रमण करेंगे सांगर नहीं गले गले जाइ बस जाऊँच प्रकृति परिवेश टिके भल लगुच हठात जितेबाला गोटाए पानी गोटाए अवस्थारू परिस्थिति आउ गोटे परिस्थिति पड़े कौन हुए अवस्था आप लक्ष्य कर आप गाँव अन्न गोटे जगह एटी गाधे से गाधोते टी शरीर परिवर्तन हुए ना थंडा फंडा टी छोट छोट हुए पुणी से सही शरीर सहित निजर शरीर को ठीक करने समय लगे 4 दिन 5 दिन गलापर आउ किसी हुए ना राजा जेहेतु राजबाटी छाड़ी बणर परिवेश गले से झरणा पाड़ी स्नान कले विभिन्न प्रकार प्रकृतिर परिवेश रहिले सेठी प्राकृतिक पवन पाइले फलमूल आदि अधिक खाइले एवं विभिन्न प्रकार परिवेश जतले परिस्थिति बदली गला राजांकर शरीर भल होबा परिवर्ते टिके विकृति हला किंतु वैद्य माने सर्वदा कहउथांती कहले महाराज आपण एथिरे व्यस्त होंतुनी वर्तमान जेहेतु स्थान परिवर्तन हेछि टिके वर्तमान रोगर मात्रा वृद्धि हेछि एटा आपनको 2-4 दिन परे भल होबो किंतु तथापि राजा कहले नाही मते भल लागु नै मते कोठि टिके विश्राम करिया पय व्यवस्था करो एटू समस्ते लक्ष्य कले पाखरे कौन अच्छी पाखरे देखिले जड़े ऋषि गुरुकुल आश्रम करी रही शिष्य मानक पढ़ाऊँच आगुरी तो सब गाँव में जमी आजकल सब बर्तमान जमी प्राथमिक विद्यालय ना सेत गुरुकुल था प्रति गाँव में गुरुकुल था से पाठपढ़ाटा से होता राजार पुओ प्रजार पुओ समस्ते से गोटे जगह पढ़ुते से कहले आज्ञा गोटे गुरुकुल पाखे अच्छी ये गुरु पाखक नहीं जावा जो अतिथि गृह अच्छी अतिथि गृह राजा को रखे राजा जितेबाला गुरुकुल में प्रवेश कले राजा मैंने सैन्य सामंत सह प्रवेश कले मैंने गुरु आनंदित हो गले कहले जहाँ देशर राजा जदि मो पाक आछंती मु खुशी होगा दरकार से अतिथि सत्कार के उन्नत धरण थिला एक चिंतन करवा अतिथि सत्कार अतिथि गृह राजा को रखईदे तांकर वैद्य एवं ये जो आम गुरुकुल आचार्य जानी विभिन्न प्रकार तुटुका तुटुका बुझा विभिन्न पत्रचार जहाँ दरकार राजा सेवा कले राजा सेवा कर राजा 3 दिन 4 दिन 5 दिन बेसी 5 दिन खंडे भितर पूरा सुस्थ है पुणी जमी कथबार्ता करूँ अन्य कले पा सहित मिसिले राजा जब टे सुस्थ हो गले गुरुकुल छुआ मान सहित मिसिले एणु छुआ सहित खेलिले सहित विभिन्न प्रकार सब पाठपढ़ा सहित बसिले पाठ न पढ़ले भी मन मन शुणिले सब कथा मैंने गोटे परिवेश बदली गला परिवेश राजा जिन भाविले मो भर किसी रोग ना मोर दायित्व ना किसी ना बड़ा आनंद बुलले बुल्ला देखिले ये स्थानी मत भारी भल लगुच कहले कौन करेंगे एन तो राजा राजार दायित्व अच्छे राज्यर दायित्व अच्छे प्रधानमंत्री को सीना अमात्य को दायित्व देते कि राजा को फेरवे ना नहीं फेरवे चिंता कले से गुरु को कहले गुरुदेव आम जानूँ आपण आश्रम रहा द्वारा मोर मोर शरीर सुस्थ होती मन भी एक प्रकार अशांत जो था बर्तमान शांत होती मुझे राज्य को विदाय नाक चाहूँगी कितु आपण पा मैंने मत जो बिना माने मु मागी ना जो सेवा मते करिसेंती माने अजाचित भाव में मोर सेवा करिसेंती मोर मलमूत्र परिष्कार करिसेंती मोते स्नान शौचादि कार्य करै दैछेंती मोते वस्त्र पिंधै दैछेंती ए जो सेवा करिसेंती मो आपनको ऊपर प्रीत हो आपनकर ब्रह्मचारी मानकर ए जो नम्र व्यवहार मोते अत्यंत आमोदित करिछि मोते मु भाबुछि मु आपन किछ गोटे जिंस देई कि जिवि राजा कहले आया एतरे नाय राजांकर कथा सुनी आम गुरु कहले कोन आया देबे आम तो प्राय आपण मान समस्ते लोक तो एमती दान ध्यान आपण राजा भाया लोक गहनी लोक मैंने दान दौरान पाने खाऊँ मुझे पाठ पढ़ाऊँ चली आउ कौन देवे ना काले पिला मानकर देह खराब हम मु आम वैद्य को ये छाड़ी जाऊँगी मैंने वैद्य को छाड़देव अर्थ काले पिला मानकर देह खराब है वैद्य अच्छा सांगे सांगे भल करदे गुरुदेव कहले कहले आज्ञा आप वैद्य छाड़ा दरकार ना मो पा कौन पचारू वर्ष वर्ष धरी से शरीर किसी कौन से खराब है जर शरद ठार आरंभ कर कौन से रोगग्रस्त है सब पिला पचारे कहले तथापि काले कूड़ी पिला देह खराब हो बर्तमान वैद्यटी छाड़दे जाऊँगी वैद्यटी छाड़दे गले वैद्यटी छाड़दे गलापर पाखापाखि मसे गला दिमास गला वैद्य तर गुरुकूल में रही गुरुंर आश्रम रही पाला सहित पाठ पढ़ा सहित वैद्यर कथार कितु जड़ीबुटी जहाँ रखी सी किसी कम लगुनि कहीं पिला तो रोग होनी आ वैद्य कौन करेंगे मसे गला दिमास गला तीन मस गला चार मस गला पाखापाखि छस गला सेठू वैद्य गोटे दूत हाथ में जो सब चारिड़े सब दूत बुलां राजाकर जो नगर रक्षक भाई बुलां नगर रक्षक को कहले कहले नगर रक्षक कहले कहले राजा को कह मु छस बस बस मो विद्या भूल गली कौन बुझे ना केतटा जिनस नदेले कमी जाए जानी ना आ जाना तो पैसा नदेले बढ़े ताको सुध मिले किंतु ज्ञान नदेले कमी जाए कौन बुझे ना पिलाटी बेले हाईस्कल पढ़ी जो पाठ अस्मत शब्द अहंगा वांग वायु मन अच्छे ना ए प्लस बी होल स्क्वायर मन अच्छे ना कहीं मन नहीं तार प्रयोग नहीं कौन रोष घर को ही प्रयोग कर ए प्लस बी होल स्क्वायर कौन बुझे तो तेना आवश्यकता ना तेना विद्या को जो न पढ़ले से विद्या कौन हम रे अनभ्यास विषक विद्या विद्या सबुदिने पाठ पढ़ले पाठ मन रो सबुदिने पाठ न पढ़ से मूर्ख हम कौन मूर्ख हम ना कौन कौन पाठ भल पिला कौन हम सबुदिन पाठ पढ़ले जाए हम गोटे दिन पाठ पढ़ा छाड़े पाठ पढ़ा बंद कौन बुझे ये वैद्य कहला मुझे गोटे दिन बर्तमान किसी सेवा कर लोकर नाड़ी चिपी पारे कि देखे आज सीना कि रोगी आईला क्या नाटा को धरमी आ भल लोकर नाटा को धरमी ना आ मुझे किसी क्या औषध दवा भाई कथा नहीं मोर ज्ञान ना मुझे बर्तमान कौन करी बेकार बस 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 मो विद्या भूल गली संगे संगे राजा शुणी कहे कहे कौन आया छस भितर कि पिलांकर किसी रोग ही ना कहला कि आगे रोग ना ज्वर ना सर्द ना कि ना रोग ना बड़ कथा छाड़ू बड़ बड़ रोग कथा कुआड़े गला सामान्य रोग तो ना राजा पुणी आसला कहले सैन्य मान कहले चल गाड़ी फाड़ी ठीक कर सब ठीक कर माने रथ ठीक कर आम जी बर्तमान गुरुंक निकट गले गुरुंक चरण में बसिले कहले महाराज केमी आपणकर आगमन है कौन है कहले ना आज्ञा मुझे बर्तमान आसीने रोगी होकर आसीने जे आपणकर सेवा नेबी कि आपण को बर्तमान राजवाटिक माने ये गुरुकुल केमी चली बर्तमान परिदर्शन आसने मु परिदर्शन आसनी जो गुरुकुल केमी चली कौन कर भल पाठ पढ़ाऊँ कि ना कथा करते गुरु मैंने भल पाठ पढ़ाऊँ कि ना राजा परीक्षा करन राजा भल शासन करुले न करते गुरु परीक्षा करुले कौन बुझे बर्तमान ओल्टा हो बर्तमान ज्ञानी मानू अज्ञानी शासन करुँच देशर अवस्था से ज्ञानी लोक किए मास्टर ज्ञानी प्रोफेसर मैंने ज्ञानी ना शासन करुवा लोक मैंने बेस ज्ञानी तार ये बुझीगले युवा से दशरथ को नियंत्रण करुले वशिष्ठ ना वशिष्ठ को नियंत्रण करुले दशरथ वशिष्ठ दशरथ को बाट शिखले या कर ता कर ना यहाँ करा उचित से जो दिन ज्ञानी मानू ए देशर सम्मान मिल देश एक नूतन स्वर्ण प्रसू हो राजा जो आसे से कहले नहीं मुझे आज्ञा आपण आश्रम परिदर्शन आसने जे आप पाठ पढ़ाऊँ न पढ़ुँच कौन करें आसने मुझे आसी आपण पाखे बसिक गोटे मोर शंका समाधान करें कहले कौन सन्देह आपणकर पुणी सन्देह कौन समाधान करेंगे आप बड़ा शासन सुशासन समस्त प्रजा मैंने आपण को बड़ प्रशंसा करुँचा राजा खूब भाग्य थे मिले तापर कौन आपणकर असुविधा आज्ञा से कहला आज्ञा मत आप गोटे रहस्य कहे कि दीर्घ दिन धरी आपण केबे कौन रोगग्रस्त होना ये छोट छोट बालक माने नदी में स्नान कर झरणा पानी में स्नान कर फलमूल खाऊ माने पथर में शुचंती रोग वैराग्य ना आपण कौन यार रहस्यटा मत कहतुनि से कहले महाराज आपण जेते भोग आड़ को जीवे रोग निकटतर सेते हम भोग जेते करिवे रोग सेते हम आमे बर्तमान भोग करुछु ना त्याग करुछु प्रभु आमको खाद्य देई पठेछि पठेछि ना आमको जेते बेले जन्म देला खाद्यटा से देई पठेछि ना तमे देइथिला प्रभु दे पठे मार छात्र तैयारी कर सी आम तैयारी कल ए देखते ना प्रभु सेमती प्रभु सब खाद्य देछि आम ताको विकृत करछे आ कोन कोन बुच्छ खाली फल खाइबा ताको टिके मसला मसली दे दे बागे खाइबा कोन बुच्छ दि आया ना कोन आमे जीवा पई खाउछे ना बचिया पई खाउछे जीवा पई खाउ जीवा टिके कमी होले कम राग होछि गाया से कहले प्रकृति सहित जते बिसिबे मोर पिला मानको मु सबले कहिछि प्रकृति सहित मिश शुद्ध वायु सहित मिश प्रकृतिर कोळरे सोई जाओ जीवन रे केबे भाग्यर जुटिला नै मो मां कोळरे थरे सोईबी जन्म देथिया जननी कोळरे सोईली किंतु जो मां दीर्घ दिन धरी 9 मास 10 दिन परे समग्र जीवन मते धारण करिछि से मार कोळरे दिने खाली देहरे सोई पाली नाही माटी रे केबे सोईचा आया पिलेबा माटी काळे पळै जे बोली कोन तीनटा ग्रिल देइचो कबाटा देइचो डोर स्क्रीन देइचो बुढो लुकुक मुणी जगेइचो काळे छोडा बाहर पळैबो की आया छुआ माने आगर माटी खाई दउथिले निरोगी थेना रोगी करथिले निरोगी थिले ए कोन चिंता करछन छोट छोडा माटी खाई दे देखछो आपन कृष्ण को चरित्र कृष्ण बसी माटी खाउ छथि कोन हला कृष्ण रोगी थिले प्रकृति सहित मिसी गले जो आनंद मिले जो माने जो निरोग देह मिले निरोग काया मिले से जो माने कोन ताको चाकचक्यपूर्ण गृह एवं प्रदर्शन रूपक वस्त्र रे ताहा मिले नाही आपन जते प्रदर्शन हुंतु किंतु घर भितरे दर्शन हुए ना हम बुझना दी आपड़ जिते ये ड्रेस पोशाक पिंधिक आसती घर गले एमती पिंधती ना पाल्टती हाँ घरटा ठीक बुझीपार आम कौन से जना पड़े बाहर को बाहर तो समस्ते चित्र विचित्र ही बाहरी पड़ती आ कौन कौन बुझे कि भीतरटा कौन आमर आम से घरे जानती मो कदा बुझे ना गामछा खंडे पीधि घरे बुला बेले अनुभव करा मु प्रकृत या मो शरीर या मो पाद या सब जानते ना नहीं से हाँ यहाँ बुझीगले तेणु जिते आप प्रकृति सहित मिसबे प्रकृति आपणकर रक्षा करती जिते आप अप्राकृतिक जिते कृत्रिम जीवन यापन करेंगे से देखिए क्षणिक सुख सीना पाइबे चिरंतन सुख पाइबे ना मार कोल छाड़ा पर 100 कोल मिल पारे किंतु से आनंद केबे आपन पाइबे मार कोल रे सोईबार जो आनंद स्पर्श आ जीवन में मिलो आया मिलो कि ना तमें जापर ना माँ आधरीपर आया अंतत पक्षे प्रकृति रूपक माँ कोल बसवाई चेष्टा कर देख प्रकृति रूपक माँ कोल पृथ्वी पानी अग्नि वायु एवं आकाश ये पांचटी जिनस सहित निज सहित संपर्क कर देख ना शुद्ध पानी टे पाऊ ना शुद्ध वायु टे पाऊ ये सब जिनस को जते दिन आम प्रकृति सहित मिसिबा निरोग जीवन यापन करिबा सुस्थ जीवन यापन करिबा ईश्वर को देथिबा शरीर रे ईश्वर भजन करिबारे योग्य हवा यही विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुछु। ये अध्याय को समाप्त करिया पूर्व आज महत्वाणी संपर्क रे चिंतन करिबा। प्रकृति परमात्मांकर अमूल्य दान ईश्वर का आशीर्वाद परी जदि प्रकृति सहित आम शरीर संपर्क रखा ताहले शरीर निरोग हव मन शांत हव एवं जीवन आनंदमय हव। आसंतु निजर जीवन को सफल करिबा। एई विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुछु। समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।